For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. ये निजीकरण धोखा है, निजीकरण धोखा है। सरकार जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, सभी को सरकार बेचने के ऊपर आमादा है। लगातार कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि निजीकरण के चलते जहां जहां निजीकरण हुआ है वहां वहां कर्मचारियों की छटनियां हो रही हैं, बड़े पैमाने पे जॉब लॉस हुआ है। और जो ऐसे ऐसे पब्लिक सेक्टर का निजीकरण किया जा रहा है जो सरकार को मुनाफा अर्जित करके देते हैं, उस मुनाफे से हमारे बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, ये जो जितनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके अंदर उनको खड़ा करने में सार्वजनिक जो संस्थान हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम ये समझते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री है जो बात बोल रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो अगर अपने ही जो संपत्ति है उसको सरकार यदि बेच देगी तो हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनेंगे। बल्कि हम जो निजी क्षेत्र है, देशी विदेशी पूंजी है, उनके हम निर्भर और गुलाम बन के रह जाएंगे। जनधन योजना में कितने गरीब जनता बच्चों के हम लोगों ने अकाउंट्स खोले, स्कॉलरशिप्स के लिए अकाउंट्स खोले, तब तो किसी भी प्राइवेट बैंक ने आके लोगों की मदद नहीं करी थी। जब LPG सब्सिडी का आया, आधार सेंटर्स आप देख लीजिए, कौन सी प्राइवेट बैंक इनका काम करके दे रही है। जब सारी काम आप अपना सरकारी बैंकों से करवा रहे हो, फिर आप उन्हीं को बंद कर दोगे तो सरकार खुद गर्त मर जाएगी। हम लोग जो कर रहे हैं ये हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। आगे आप देखिए, जो हमारे पुराने रिटायर्ड जो बैंक के हमारे पुराने सीनियर्स हैं, उन लोगों की पेंशन पे भी फर्क पड़ेगा, हम लोगों के फ्यूचर पे भी फर्क पड़ेगा। सारा देश बिखरा है, किसी के पास में कोई फैसिलिटीज नहीं पहुंचने वाली अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गया तो। इतनी गरीब जनता है हमारे देश में, सब लोग सारी सुविधाओं से महरूम रह जाएंगे। तकरीबन हमारे पूरे इंडस्ट्रीज में 10 लाख बैंक कर्मचारी है, जो प्राइवेट बैंक्स में भी हैं और सरकारी बैंक में भी हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पहली बार एक भी ब्रांचेज, चाहे वो प्राइवेट की हो चाहे सरकारी की हो, नहीं खुली है। और सभी जगह हड़ताल, 100% हड़ताल है। लोगों के अंदर रोष है, लोगों के अंदर गुस्सा है कि सरकार की ये जो नीति है ये कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी नीति भी है, जन विरोधी नीति भी है और कर्मचारी विरोधी नीति भी है। मैडम, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली है nobody will lose their jobs, but if one bank closes down, there are so many vendors for supplying food, for supplying paper, for supplying maintaining the electricity or the cleaning the premises, all those people will be losing their jobs. All these corporate houses which owe the system lakh of crore, they will be owning the banks. They will be not required to repay the loans. And another very important part is, once all the banks become private, if a bank fails, the depositors will lose their money. There will be no loan for self-help groups, no loan for concessional loan for students, no loan for महिलाओं के लिए, जो मजदूर के लिए, किसानों के लिए ये जो सब्सिडाइज लोन है वो बंद हो जाएगा। आम जनता का जो देश के हित के साथ प्रॉब्लम हम जो लिंक कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि देश की जनता को जो पैसा मिलता है देश की डेवलपमेंट के माध्यम से, वो पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा। प्राइवेट सेक्टर पैसा देश की डेवलपमेंट में नहीं लगाएगा, वो अपने विकास के अंदर पैसा लगाएगा।
इसका बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन के दौरान जो नारा दिया वो दिया कॉरपोरेट वर्सेस किसान, के किसानों की जमीन कॉरपोरेट घरानों को देना चाहती है मोदी की सरकार, और इसलिए ये तीन काले कानून भी आए हैं। हम लोग ट्रेड यूनियंस जो हैं, सरकार की जो निजीकरण की नीति है और देश के जो एसेट्स हैं, उद्योग हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सबको कॉरपोरेट घरानों को देने की बात है। आज भी खबर आई कि जो बचे खुचे एयरपोर्ट के एयरपोर्ट्स हमारे हैं वो भी 100% दे दिए जाएंगे, तो ये भी कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ ट्रेड यूनियंस का भी आंदोलन है। तो इस दिन में इसीलिए एंटी प्राइवेटाइजेशन डे के रूप में और एंटी कॉरपोरेटाइजेशन डे के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया। मोदी सरकार लगातार इस लॉकडाउन काल में किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियां लागू कर रहे, मजदूर वर्ग का हकों को छीन रहे, उसके खिलाफ लगातार आंदोलन में मजदूर वर्ग के सभी संगठन लगे हैं, उसके साथ एकजुट के साथ किसान संगठन भी साथ है। ये जो आज के दिन 15 और 16 का बैंक कर्मचारियों का भी जो आंदोलन है, स्ट्राइक है, और जो निजीकरण का जो चल रहा है, देश का हर संपत्ति को बेचने का जो ये चल रहा है, उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान सभा और सभी किसान संगठन, खेत मजदूर के संगठन, मजदूर वर्ग के साथ इस आंदोलन में उनके साथ कंधा मिला के साथ है। मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त देश के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख के जगहों के ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि बैंक्स की हड़ताल है तो उनके भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंश्योरेंस वाले साथ में उतरे हुए हैं, डिफेंस वाले इसी इशू के ऊपर खड़े हुए हैं, रेलवेज वाले खड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने रेलवे स्टेशंस को सिंबॉलिक चुना क्योंकि रेलवेज भी बेची जा रही हैं, प्लेटफॉर्म्स भी ऑक्शन किए जा रहे हैं, नॉर्मल ट्रेनें चलाई नहीं जा रही हैं, प्राइवेट ट्रेनें महंगी वाली चलाई जा रही हैं। तो हम समझते हैं कि मजदूरों और किसानों की बढ़ती हुई एकता में ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा।